नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड मेरे साथ। चलिए नजर डाल लेते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों पर रफ्तार से। ऑडियो पर दो FIR, केंद्रीय मंत्री शेखावत से पूछताछ के लिए दिल्ली रवाना हुई राजस्थान SOG। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं है, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ। FC में पायलट गुट की दलील, तानाशाही पर सवाल उठना बगावत नहीं। राजस्थान में जारी सियासत लड़ाई अब हाई कोर्ट में ही लड़ी जा रही है, सुनवाई अभी भी जारी है। जवानों का हौसला बढ़ाते हुए बोले रक्षा मंत्री, कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेह और जम्मू कश्मीर की दो दिवसीय यात्रा पर गए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में जवानों को संबोधित किया। देश भर में एक शिक्षा बोर्ड एवं पाठ्यक्रम पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का इनकार, दिए दलील। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DVI चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे छात्रों पर पहले से ही भारी स्कूल बैग का बोझ है। रेल यात्रियों को मिलेगा तोहफा, रूटों पर 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। गोल्डन डायगोनल्स के 9893 किलोमीटर रूट को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में अपग्रेड किया जाएगा। भगवान राम पर PM ओली के वेतु के दावे को सही साबित करने में जुटा नेपाल का पुरातत्व विभाग। विभाग नेपाल के दक्षिण में स्थित थोरी गांव में खुदाई और शोध की तैयारी में लगा हुआ है। शेयर बाजार में कारोबार की शानदार शुरुआत, सेंसेक्स 36,000 से ऊपर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी भी 61 अंक की तेजी के साथ 11,308 पर कारोबार कर रहा है। UN ने तालिबान सरगना नूर वली को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। पाकिस्तानी फौज का करीबी है यह आतंकी, अफगानिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों के लिए अमेरिका इसे ही जिम्मेदार मानता है। अमेरिका के बाद भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की सबसे अधिक जांच। कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए सर्वाधिक 4.2 करोड़ नमूनों की जांच अमेरिका ने की है, वहीं भारत में 1.2 करोड़ नमूनों की जांच भारत में की जा चुकी है। देश में क्रॉस हुआ 10 लाख का आंकड़ा, संक्रमण के कुल 10,05,887 मामले। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 35,468 केस आए और रिकॉर्ड 22,834 मरीज ठीक हुए और 680 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खास खबरों से। नमस्कार। इंस्टाफीड।